से लूंगी, मुझे ये बता दो, ऐसे तो नहीं होगा मैम। रोल चार इसको नमाज के टाइम ना, जितनी भी मस्तियाँ दुनिया की सारी मस्तियाँ इसको बिल्कुल एन नमाज के टाइम पे याद आती हैं। तारा का वारंटी है, ठीक है, और 75 साल का गारंटी भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं? आज सुबह सुबह ही गुड मॉर्निंग। आज अचानक एक तो मुझे कुछ गाड़ी के 2-3 काम करवाने थे तो उसके लिए मैं निकली हूँ, और साथ ही हम फ्रेंड्स का प्लान बना है, क्या मॉल्स वगैरह तो बहुत जाते थे शॉपिंग के लिए, आप आज हम एक और जगह जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो वो भी बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या लेते हैं हम वहाँ से, और साथ मैंने गाड़ी के 1-2 काम करवाने हैं, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ कि मैं क्या काम करवा रही हूँ, तो आप लोग साथ रहिएगा और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो बस अभी मैं निकली हूँ, रोड पर हूँ, अभी मैं फ्रेंड की तरफ आई हूँ, उसे पिक कर रही हूँ और फिर हम यहाँ से आगे निकलते हैं, ठीक है? तो गाइज स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे, एंड स्टे कनेक्टेड विद माई वीलॉग, सी यू गाइज, अल्लाह हाफिज़। जी तो ये हम पहुँचे हैं पिंडी सदर में, सीएमए की बिल्डिंग से आगे लेफ्ट साइड पे रोड है जो एंड पे क्लोज होती है, वहाँ पे हम आए। यहाँ पे हमने हॉर्न्स का काम करवाना था, तो यहाँ पे हॉर्न्स की पूरी मार्केट है, तो गाड़ी का मेरा हॉर्न ख़राब हुआ हुआ था, मुझे हॉर्न चेंज करवाना था, तो इन्होंने मुझे हॉर्न्स चेंज करके दिए। ये इनके पास वैरायटी ऑफ हॉर्न्स थी, कुछ गुड क्वालिटी थे, कुछ लो क्वालिटी थे। सो वी आर हियर टू फिक्स आवर हॉर्न, कौन से बाजार आए हैं हम? ये है सदर है, यहाँ पे सारे हॉर्न। गाड़ी की हाई बीम का थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कार वॉश करवाई थी, उसके बाद से वो ऑन नहीं हो रही है, तो वो अभी चेक कर रहे हैं हम, देखते हैं क्या मसला है, फ्यूज बॉक्स का इशू है या बल्ब का इशू है, लेट्स सी, अल्लाह के लेके बड़े मसले मेरी बात ना हो। इसकी मजदूरी वो हमारा गिफ्ट हो गया, वो हमारा तोहफा हो गया आपकी तरफ से। तो यहाँ पे बस हमने गाड़ी की हाई बीम को फिक्स करवाया और गाड़ी का हॉर्न ठीक करवाया। हाई बीम की वो रेले कहते हैं, कुछ कहते हैं, जो मैकेनिक मुझे बता रहा था वो ख़राब था, उसने वो चेंज किया और वाइट चेंज की उसकी और वो ठीक हो गई, और हॉर्न हमारा चेंज हो गया और हम ऑल गुड टू गो हो गए। यहाँ से काम हमारा हुआ ख़त्म, फिर हम वापस निकले अपनी गाड़ी में अपने अगले सफ़र को। हमारा प्लान बना, हमने इधर से जाना था मोती बाज़ार और सराफा बाज़ार, और हमने आज इन बाज़ारों का चक्कर लगाया। खैर बहुत ही एडवेंचरस था, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन ये कि बहुत बहुत रश वाली जगह थी ये, हद से ज़्यादा। ये हम आए हुए लोकल बाज़ार और इसको कहते हैं मोती बाज़ार, यहाँ पे ये लोकल जूते हैं, दे आर गुड एंड दे आर रीज़नेबल। ये असद भाई है, बहुत इधर सस्ता सस्ता जूती आपको मिलेगा 500 में, हर तरह का वैरायटी है, ठीक है, और 75 साल का गारंटी भी देगा। 75 साल का? हाँ, इसको पहनो, चेक करो। और इनको आप बता दें ये जगह क्या है? ये मोती बाजार से बाहर की रोड, बाहर की तरफ रोड आता है तलवाड़ा बाजार, सही, तो इस मस्जिद के नीचे, मोती बाजार के मस्जिद के नीचे दुकान है, सही है, असद जूतियों वाला, ठीक है, मशहूर है, बस सही हो गया। इसका वैसे जो रिटेल प्राइस है इसकी 1195 है, अभी इसको 500 की सेल में हमने किया, बहुत अच्छा, इसका भी गारंटी है। वक्त ने मड़ा प्रेयर ये और इसके है। यहाँ पे ये खुस्से थे, कुछ डिज़ाइन तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे मेरे साइज़ का कोई जूता नहीं मिला, तो यहाँ से खैर मुझे खुस्सा लेना था लेकिन मैं ले नहीं सकी, लेकिन डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी सारे जो थे ना प्यारे प्यारे थे। फिर ये कुछ बैग्स की शॉप्स आई थी, हमने एक ओवरव्यू लिया बैग्स का, कुछ अच्छे बैग्स थे और कुछ नॉर्मल थे, और ये हमारी चल रही है कूल शॉपिंग, जिसमें हम डिफरेंट किस्म की शॉप्स में घुस रहे हैं बिला वजह के, हम कपड़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि यहाँ पे किस किस तरह के कपड़े मिलते हैं, और ये तंग रास्तों से होते हुए जो है तो हम रास्ता ढूंढ रहे हैं अपने लिए। ये है एक और कॉस्मेटिक्स की और बैग्स की शॉप, और ये
ये बाज़ार इतना तंग था, इतना तंग था कि यहाँ पे चलना ही मुश्किल हो रहा था हमारे लिए। लिटरली धक्के लग रहे थे, हम लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और हम चल रहे थे, वरना तो हम एक दूसरे को पकड़ ही ना सकते, इतना हम दूर रह जाते, लोग हमारे बीच में घुस के आ रहे थे। ये चलते चलते हम पहुँचे थे मोहसिन सन्स की शॉप के पास, जो कि इनकी सबसे पहली शॉप थी जहाँ से इन्होंने काम शुरू किया था, और उसके बाद इनका बिज़नेस इतना एक्सपेंड हो गया कि कहाँ कहाँ इनकी शॉप्स बन गई हैं। ये फिर एक बड़ी शॉप में आए थे जिसमें ढेर सारी नेल पॉलिशेस थी, कॉस्मेटिक्स, बॉडी स्प्रेस थे, बहुत कुछ था यहाँ पे। खैर हमने यहाँ से विंडो शॉप ठीक है ना, डिज़ाइन है बाकी तो ये लगे हुए हैं, ये सारे ये लगे हुए कपड़े पट्टी वाले थे, बस एक ही है। ये कुछ ज्वेलरी शॉप्स थी जिनकी ज्वेलरी बहुत ही प्यारी थी। ये झुमकों का स्टैंड था और ये कुछ छोटे एयर टॉप्स से एयर स्टर्ट्स है। यहाँ से हमें हमारी फ्रेंड ने लेके दी थी कुछ इयर रिंग्स। फिर हम इधर आए मेकअप के शॉप पे, मेकअप किट्स मिल रहे थे यहाँ से, पसंद हमें आया लेकिन उसने बार्गेनिंग नहीं की और हमने लिया नहीं उससे, तो हम छोड़ के आ गए क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज कर रहा था उसका। उसके बाद फिर हम पहुँचे जी एक और ज्वेलरी की शॉप पे जहाँ से हमने कुछ नहीं लिया। ये और बैग्स की शॉप थी, हम सारा एक्सप्लोर कर रहे थे कि बेसिकली ये है क्या। फिर हमने हमें गाड़ी की तरफ जाना था जो कि दूर पार्क थी, तो हमने रक्षा किया और हम रक्षे में बैठ के गए एंड वी एंजॉयड अलॉट आर रक्षे की सवारी। उसने सही स्पोर्ट्स कार बना के गाड़ी हमें पहुंचाया हमारी गाड़ी तक, और आप देख सकते हैं कि रश कितनी है इस बाज़ार में। हाँ जी गाइस, सो आई एम बैक ऑन इफ्तार। हमारी इफ्तार बहुत सिंपल से होती है। आई एम जस्ट हैविंग दिस दही भल्ला जैम दाल चावल, ये बाहर का है और ये घर में बनाए, तो अल्लाह ताला हम सबके रोज़े कबूल करें। लेट्स टेक अ बाइट। वाह भाई छा गए हो तुम तो, बड़े मज़े के बनाए हैं, मज़े की बनी हुई बहुत। अब बोलो बहुत मज़े का बना हुआ है, बेहतरीन खाना। आप सभी बता दें अपनी खाना वाना खाए, नमाज पढ़े, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इफ्तारी के बाद हम निकले हमारी ड्राइविंग चल ड्राइव के लिए, और फिर हमें होने लगी पोस्ट इफ्तारी क्रेविंग्स, तो हमने गाड़ी मोड़ ली बैगे फेस 4 7 सेंटर की तरफ, और वहाँ पे हमारे पास इतनी रश आ गई कि हमसे नहीं, हमसे आप आगे खुद देख लेंगे। ऐसे तो नहीं होगा मैम, रोल चार टेबल एक उनका पे आर्डर बस फाइव स्टेट से मैम कुछ चाहिए टेबल बन चाहिए जो चीज बन चीज। आप मुझे रोल पराठे चाहिए और रोल पराठे चाहिए, एक शुरमा के रोल पराठा ले, ये रोल पराठे हैं नो डिस्टर्ब का, एक रोल पराठा कौन सा है, चिकन चाट मेरा बेस्ट, गार्लिक मायो मेरा मारे होते हैं बस। चिकन शुरमा है, चिकन चीज शुरमा है, चिकन शुरमा विदाउट चिकन, ये तो गलत बात है। अब ये अरबियन शुरमा है, चिकन शुरमा है, मंचूरियन स्पेशलिटी है आपको पता है, आइसलैंड ब्रांड है, फ्रेश जूस है, मंचूरियन का जूस है, जूस इतो से देखो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट टाइम ना तुम दोनों से लेके जाऊंगी, ठीक है? तुम्हारा कौन सा जूस खाना नहीं, हॉट एंड स्पाइसी, हॉट एंड स्पाइसी। उफो बंदे का दिल खफा था यार, बंदा किस किस को बोले, जाहिर उनकी भी तो मजदूरी है यार, दिल चाहता है बंदा हर एक से ले ले, लेकिन आप हर एक से भी तो नहीं ना ले सकते, अपना अकाउंट खाली हो जाएगा आपका, फिर क्या करोगे, फिर तुम दोगे पैसे मुझे? अभी तो रोल पराठा तो खिला रही ना तुम मुझे। हाँ रोल पराठा खिला रही हूँ, चलो बस सही है, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, पुरकोश हो जाएगा ऐसे भी। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बस अभी इधर आई थी, मम्मा के लिए खाना लेना था तो सीरियन शवारमे से उनके लिए काबी पुलाव का प्लेट सिंगल जो सर्विंग होती है वो लिया, तो उनकी मैं करूँगी आपके साथ उसका, उनका रिव्यू शेयर करूँगी उनका जो बड़ा पैटर है ना उसका, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है, तो व्हेन एवर आई विल बाय दैट अगेन तो उसका मैंने पक्का रिव्यू करना है आपके साथ। और अभी इधर मंचीज आई हुई हूँ तो यहाँ से मैं रोल पराठा ले रही हूँ, और साथ दूसरा वो कहाँ से ले रहे हैं, शिवार्मा कहाँ से ले रहे हैं, जूस लैंड से। हाँ
हाँ जूस लैंड से शवारमा लेने हैं। एकदम से रश आ गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आया था मैं किससे लूँ। मैं आई मंचीज की सोची थी, लेकिन ज़्यादा बुरा लगता आप किसी को ना नहीं कर सकते, तो बस दो को मैंने दे दिया ऑर्डर और बाकी दो को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आके दूंगी मैं। तो अब बस ये चीज़ें लेके मैं घर जाऊँगी और घूम में सो जाऊँगी। मैं इतनी थक गई, मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में किसी नए कंटेंट के साथ। मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू गाइज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।